अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ और ये है चाइनीज़ राइस। ये देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपको समझ तो आ रहे होंगे, कटिंग किए हुए सामने रखे हुए हैं। ये देखें, गाजर है, टमाटर, शिमला, बंद गोभी है और ये क्या कहते हैं इसको, प्याज के जो होते हैं ना, वो जो सबज प्याज होते हैं वो कटा हुए, चिकन है और ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट रखा हुआ है और ये रखा हुआ है सबस, ये प्याज रखा हुआ है, साथ मटर और साथ सबस छोटी मिर्च होती है। और इसके बाद स्पाइसेस मैं आपको बताऊंगी साथ साथ, जैसे जैसे बनाती जाऊंगी वैसे बताऊंगी, ठीक है? तो अभी आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अब इसके साथ में बनाऊंगी तो आपको सारा और भी पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाएंगी। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है व्यूअर्स, कम टाइम में और कम मेहनत में बनने वाली है और सबको पसंद भी आती है। तकरीबन आधा किलो चावल है इसमें, हमने आधा किलो चावल के हिसाब से ये चीज़ें मैंने काटी हैं। तो ये आप देखें, सबसे पहले डालूंगी इसमें ऑयल, एक बड़ा चम्मच ऑयल का, और इसके बाद डालेंगे इसमें प्याज, इस तरह प्याज डाल दिए मैंने, और अब इनको हम 2 मिनट तक इस तरह करेंगे, चम्मच लोगे 2 मिनट, हल्का सा इनको करेंगे। ये देखिए प्याज हो चुके हैं तकरीबन, अब इसमें मैं डाल दूंगी चिकन, क्योंकि चिकन सबसे जरा सख्त है, सब्जियां एंड पे डालते हैं, चिकन पर इसको डालेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए। चिकन डाल के ये ध्यान रखना है कि इसको कवर नहीं करना, इसे हमें फ्राई करना है। अब रखूंगी थोड़ी देर ताकि ये फ्राई हो जाए, फ्राई के बाद इसका करेंगे साथ, और इसको चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसकी साइड चेंज होती रहे। इसे लगना नहीं चाहिए नीचे, क्योंकि जब फ्राई करना गोश्त करता है तो ये लगना शुरू हो जाता है ऑयल में डालते हैं। बस ये धीमी आंच पे होगा, उस टाइम तक मैं चावल रखती हूँ, पानी रखती हूँ दूसरे चूल्हे पे चावल बॉईल करने के लिए, साथ साथ वो काम भी करेंगे चावल बॉईल करने वाला, साथ ये सब्जियों का ये बनाएंगे। उस वक्त तक ये फ्राई होगा गोश्त और हम साथ चावल रख लेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, ज़्यादा जब टेस्ट और आँच उस वक्त नहीं डालना होता क्योंकि ये फिर जा जाता है, इसका टेस्ट नहीं रहता। ये बेसिकली साथ ही ये गोश्त हो चुका है फ्राई, इसका देखिए रंग कितना मस्त इसका कलर हो गया, बस इसको हमने इतना ही भूना था। अब इसमें डालूंगी मैं मटर और साथ डालूंगी सबस कटी हुई मिर्च, और मटर क्योंकि आजकल है सख्त थोड़े, इसलिए इसको मैं 5 मिनट से ज़्यादा ही है तो 3-1 मिनट में तकरीबन इसको हल्का सा पानी डालती हूँ इसमें,
और इसको लाइट सा मैं डाल लेती हूँ ताकि ये हो जाए, थोड़ा सा ये नरम हो जाए मटर। हमें मटर इतना सख्त नहीं चाहिए क्योंकि आजकल सख्त मटर आ रहे हैं ज़रा, तो इसको मैं बस 3-4 मिनट के लिए इधर रखती हूँ। इसमें अब ये तकरीबन डन हो चुके होंगे, ज्यादा नरम नहीं करने इनको, ज्यादा नरम नहीं करना ये। अब इसमें मैं डाल दूंगी गाजर, ये इसी मसाले के अंदर ही, उसके अंदर ही मैं डालूंगी इस तरह। तो इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूंगी। इसका अपने जो उसमें पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला है आधा कप, उसी में ये भी हो जाएगा इस तरह। अब इसमें मैं स्पाइसेस डालूंगी, नमक तो पहले डाल दिया था, काली मिर्च डालूंगी 2 चम्मच, बस। अब इस पे ढक्कन लगा दूंगी 3 मिनट के लिए, फिर देखते हैं इसको। ये देखिए वाव, मस्त खुशबू आ रही है और ये बड़ा बेहतरीन हो गया। आपको नजर आ रहा होगा ना कितना मजे का लग रहा है। और गाजर भी हमें जितना चाहिए इतना हो चुकी है, गाजर भी इतनी नरम हो चुकी है और मटर भी इतना नरम हो चुका है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल कले हुए अच्छी नहीं लगते इसमें, चाहे इसमें खड़ी सब्जी अच्छी लगती है। अब इसमें मैं डाल दूंगी शिमला, टमाटर, ये सबज में जो है प्याज जो काट के रखे हुए और बंद गोभी, ये सारा कुछ इकट्ठे डालूंगी। अब इसको मिक्स करेंगे ये बताओ, उसका अपना अपना स्टाइल होता है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बाद में ज्यादा इसको काट देते हैं सब्जियों को। लेकिन वो फिर जो चाइनीज बनती है ना, जो चावल बनते हैं, मिर्च नहीं डाल रही होती, खूबसूरत नहीं लगती, क्योंकि कहते हैं कि पहले आंखें खाती हैं उसके बाद जो है ना जबान चखती है टेस्ट, आंखों को अच्छा लगता है तो बंदे का खाने को भी दिल करता है। बस अब इसे मैं 1 मिनट के लिए करूंगी, कवर तो कर ही नहीं रही बिल्कुल, बस ऐसे 1 मिनट तक चम्मच चला रही हूँ। अब मैं चावल को देखती हूँ, ये डन हो चुकी हैं सब्जियां, अब इनको और नहीं गलाना मैंने, ये तकरीबन डन हो गए। अब इसमें जो कसर है वो इस चावल के अंदर ठीक हो जाएगा। ये पानी मैंने रख दिया ऊपर गर्म करने के लिए चावल के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी 3-4 लौंग, 2 बादाम के बख्तबे भी से कहते हैं ये, 2 फूल डालूंगी, 1 चम्मच नमक ही डालूंगी, तो 1 चम्मच नमक ही डाल दी। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी, ऑयल से चावल जुड़ते नहीं है, और बादाम के फूल और इससे जो डाला है क्या कहते हैं लौंग,
और दालचीनी से जो है ना चावल बड़े खिले खिले बनते हैं, खुशबू वाले। इसमें दो मैं ये डाल दूंगी दालचीनी के टुकड़े, बस अब इसको मैं करूंगी बॉयल, और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर आगे करेंगे। ये देखिए पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें मैं डालती हूँ चावल। तो चावल डालने का मेरा अपना तरीका है भाई, वो ऐसे कि मैं चावल पानी में से ऐसे निकाल के डालती हूँ। लोग तो एक दफा ही निकाल लेते हैं, मैं साथ साथ निकालती जाती हूँ। इस तरह करती क्योंकि कोई रेत पैरा हो ना, कोई चीज भी अगर इसमें चावल में हो ना, वो नीचे रह जाती है फिर पानी के अंदर से जब निकाले तो। और जो ऐसे कर लेते हैं पानी गिरा देते हैं, वो फिर रेत और सारा कुछ अगर कोई चीज उसमें है, वो तो आजकल होती नहीं है स्टोरों पे, जो चीजें हम लेके आते हैं उनमें होता कुछ है, लेकिन फिर भी शुरू से आदत पड़ी हुई है किस तरह करके तो खुले पानी में से निकालने। अब ये मैंने इसमें पहले चीजें डाल दी थी, अब इसको मैंने बॉयल करना है। जब एक कनी रह जाएगी इसकी बस तब तक अब इस पे लगा देंगे ढक्कन और मिलते हैं इसके बॉयल होने के बाद तकरीबन 4 या 5 मिनट लगेंगे। ये देखें चावल बॉयल हो चुके हैं, ये अब इसमें एक कनी के तकरीबन है थोड़े से, मतलब कनी का मतलब है थोड़ा सा सख्त चावल, जब रह जाए ना तो फिर बस अब ये हो चुके हैं। अब बस इसका पानी में नहीं गिराना है और उसके बाद तह लगानी है। अब चावल मैंने बॉयल करके उनका पानी गिरा दिए, अब इसमें करेंगे मिक्स चावल इस तरह। ये तह नहीं लगानी थी, उसे हल्दी से बोला गया कि तह लगाते, ये चाइनीज मान रहे हैं तो इसमें तह की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, अब हम इसमें सॉस डालेंगे। ये डाल लेते हैं चिली सॉस, क्योंकि बच्चे तो चिली सॉस के बगैर खाना पसंद नहीं करते, चाहे चाइनीज है तो चाहे जो भी है। बच्चों की आपको पता ही है कि बस उनकी आदत ही ऐसी है। अच्छा हल्का सा विनेगर डालेंगे इसमें, और इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस, बस ये हो गया। अब इसका करेंगे ढक्कन लगा देंगे, यानी कि इसको दम में आप ये 5 मिनट पहले उसको, ये डन हो गए। आप 5 मिनट के बाद मैं इसको धोती हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी मेरी जो ये बिरयानी कहने वाली थी मैं, ये जो मैंने चाइनीज़ बनाए हैं ये तैयार हो चुके हैं, और ये बहुत मज़े की हैं। आप देखें इसको, नज़र तो आ रहे हैं ना, हाँ तो ये बहुत ही मज़े के हैं। आप इस तरीके से बनाएं और इसको खाएं, और ये बहुत ही कम टाइम में बन गए। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।